इधर देख लो भाई ध्यान से, कल क्या क्या पढ़ा दिया था, निकट जस्ट जो बता दिया था ना, निकट हो गया ना। बताइए इसमें निकट की वस्तु है, आवाज नहीं, निकट की वस्तु है, जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। शांत रहे भाई, हाँ क्या बातें कर रही थी, बैठ जाओ, पता चला तुम्हारा फेस देख के, ध्यान से देख लो अब। तो बताओ ना जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से, अवतल और उत्तल कहाँ पे प्रयोग करते हैं, अवतल, बैठ जाओ। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु है, निकट की वस्तु है, दूर की वस्तु है, बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हर्षल दिमाग, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तुम लोगों से एक घंटा पढ़ा नहीं जाता क्या, 12 घंटे मजदूरी करने पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हर्षल, रेटिना के, उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी और क्षमता, बैठ जाओ पढ़ाई करो, बातें कर रहे हो एक घंटे के लिए, ठीक है। इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी, क्षमता, तीन क्वेश्चन पूछेगा यार, रेटिना के आगे बने या रेटिना के पास है, और इसके लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता है भाई, दो और तीन, तीन और यानी कि इसमें कितने अंक है, तीन है, तो कौन सा लगेगा, चलिए तो मामूली क्वेश्चन है, तीन यानी कि देखो आपसे पहला पूछेगा रेटिना के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, दूसरा आपसे पूछेगा ये इसकी फोकस दूरी, तीसरा आपसे पूछेगा यानी कि क्षमता क्या होती है, और बाकी तुमको ये लग रहा है कि कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, नहीं पूछेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में किसी को दिक्कत, ठीक है, दूर दृष्टि दोष देख लेते हैं भाई, कोई कहे कल बता के दिया है, रिवीजन करा दे रहे, दूर दृष्टि दोष, पता है इसमें फोकस दूरी, फोकस दूरी, क्षमता, रेटिना के, रेटिना के, इसमें कौन सा लेंस, जरा दृष्टि दोष देख लो आगे, जरा दृष्टि, दृष्टि दोष लिखना है क्या, लिख रहा है, ज्यादा सोने का नतीजा है आज, जरा यानी कि देखो जरा से मतलब ही पता चल रहा, जरा जरा पास का, जरा सा, जरा दृष्टि दो, इसमें कौन से लेंस, दोनों लेंस की आ सकता है, कितने लेंस, कितने लेंस, उत्तल और जरा दृष्टि दो, जिसको है वो लगा है अपना, अभी तो किसी को फिलहाल में नहीं है, ठीक है। इसके ये तीन बता दिए थे ना, ये तीन बता दिए थे, मोतियाबिंद भी बता दिया था, ठीक है। उसके बाद देख लो पार्श्व विस्थापन, ध्यान से सभी लोग, चलो इधर ध्यान से देखो भाई, पार्श्व विस्थापन, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ वस्तुएं लिखी जाती हैं, तो कुछ वस्तु अपने के जैसे बी लिखा, ध्यान से देखे, ये कुछ वस्तुएं बी लिखा तो अपने को उल्टा प्रतीत होती हैं, यानी कि बी लिखा तो अपने को जैसे उनको साइड या मिरर इमेज करेंगे तो वो उल्टा दिखती है अपने को, कैसी दिखती है, उल्टा, जैसे बी लिखा तो ये कैसा बी हो गया, उल्टा, कैसा हो गया, जैसे एफ लिखा ये कैसा हो जाएगा, उल्टा, यानी कि ये क्या हो रहा है, पार्श्व विस्थापन, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, जैसे ई लिखा ये क्या हो जाएगा, पार्श्व विस्थापन, ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा, पार्श्व विस्थापन, कुछ वस्तुएं होती है उन्हें पार्श्व विस्थापन नहीं होता, जैसे ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और क्या हो सकता है, ए आई ओ वी हो गया,
टी हो गया, हाँ डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, और जेड हो गया, जेड हो गया कि नहीं कुछ लो हंडी लगा दी, समझ जाना है। इसका मतलब ये वी है, इसका मतलब ये यू है, यूवी 21 22। ठीक है, कुछ वस्तुएं होती है जिनका पार्श्व विस्थापन हो जाता है और कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन नहीं होता। आप लोगों ने बेस्ट एग्जांपल है एम्बुलेंस देखी है ना, सभी लोगों ने एम्बुलेंस देखी है, उसमें पहले से जो चीजें पार्श्व विस्थापन होती रहती ना, वो पार्श्व विस्थापन की तरह लिख देते हैं। किसकी तरह? पार्श्व, देखना उसमें उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस में, हाँ उसमें एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है। कैसा लिखा होता है? उल्टा, ताकि वो जो गाड़ी साइड की चल रही है वो उसको अच्छे से देख ले, पढ़ ले और उसको साइड दे। एम्बुलेंस को साइड भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें डांस क्लासेस थोड़ा चल रहा है कि डांस क्लासेस खुला है कि भैया रोक लो तुम उसमें, भाई कोई ना, देखो एम्बुलेंस का मतलब ही है कोई ना कोई सीरियस मामला होगा उसके अंदर, और उसके अंदर थोड़ा डांस क्लासेस है जो साइड नहीं देगा। तो एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है? उल्टा, ताकि जो मतलब चला रहा है तो उसको यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एम्बुलेंस ही है, तो अपने को साइड दे देता और निकल जाते। समझ में आ रहा है पार्श्व विस्थापन? पार्श्व विस्थापन इसका चैप्टर रीजनिंग में भी है एक, दर्पण रीजनिंग में इसका चैप्टर एक रीजनिंग में भी है। तो जिसको दर्पण वगैरह नहीं आता है तो आराम से देखो, ऐसे कोई चीज लिखा हो आर ओ एस ई, आपको जैसे बनाना नहीं आ रहा पेपर वगैरह में क्या करना, आपका वो यानी कि वो रहता है ना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड रहता है उसके साइड में एकदम दबा कर लिखो, एकदम बार बार उसको ऐसा करो, रोज ऐसा दबा दो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, और पलट लो आंसर मिल जाएगा आपको और उसमें उत्तर मार दो। तो इसका काफी बेनिफिट है, मगर करना चाहो करो, नहीं तो अपना दिमाग लगा करो, अपनी फिजिक्स पढ़ाना है। तो विस्थापन समझ में आ रहा है सभी को? विस्थापन, पार्श्व विस्थापन सभी को समझ में आ रहा है? कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन हो जाता है और कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन, कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन हो जाता है, कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन आ रहा सभी को? किसी को दिक्कत? दिक्कत हो तो बताइए। पार्श्व विस्थापन में दिक्कत, इसका बेस्ट एग्जाम्पल एम्बुलेंस। कुछ वस्तु जैसे आप बताइए डब्ल्यू का हो जाएगा पार्श्व विस्थापन? नहीं होगा ना। बताइए एस का हो जाएगा? ये बनेगा भी कैसे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एच का पार्श्व विस्थापन, एच का नहीं होगा, नहीं होगा फिर रहेगा तो फिर ऐसा ही जैसा बनाओ इसको उल्टा करो, फिर सी का हो गया और इधर से सी का, डी का हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। आई का होगा, अरे लिख तो दिया था पहले, आई आई लिखा था, ए आई ओ। बताइए स्वर कितने होते हैं? आप लोग बताएंगे जो अपने एबीसीडी के अक्षर 26 होते हैं, कितने होते हैं? 26। उनसे साउंड कितने निकलते हैं कौन बताएगा? पांच साउंड निकलते हैं। स्वर व्यंजन नहीं हम पूछ रहे, हम सिर्फ उनसे साउंड पूछ रहे हैं। साउंड जैसे हम बोले ए, ठीक है, ए से कितने साउंड निकाले जा सकते हैं, यानी कि देखो ध्यान से देखो, इधर इधर ओए ओए, देखो जैसे सी से भी का हो जाता है, ध्यान से देखो, सी से भी का हो जाता है और के से भी क्या हो जाता है? का हो जाता है। तो हम ये पूछ रहे कि इनसे साउंड कितने निकल सकते हैं। आप लोग ग्रामर पढ़ते हो भाई, ग्रामर का पहला ही दिन यही पढ़ाया जाता है, कितने निकाले, कितने निकलते हैं भाई बता सकता है कोई? अपना कौन सा सब्जेक्ट है, पढ़ क्या ना बता दे रहे आपको, 44 निकलते, कितने निकलते हैं? बस आप लोग ध्यान से देख लेना, एक के नहीं पूरे 26 के, 26। ठीक है, पार्श्व विस्थापन सभी को समझ में आ गया? देखो आप लोग पढ़ाई करते रहो भाई, अभी देखो एसएससी की वैकेंसी लगी है, एमटीएस सीएचएसएल, उसके बाद आगे आगे भर्तियां आ रही हैं, तो इंग्लिश नहीं कर रहे, दिक्कत आएगी उसमें। इंग्लिश 25 की पूछते हैं और वह कैब पे ज्यादा रट्टा मारो, वह कैब रट नहीं है, रटोगे नहीं तो फिर बचो, एसएससी निकलेगी नहीं, और हिंदी ऑप्शन ही नहीं है उसमें, ये हिंदी ग्रामर कर लेने सभी निकाल देंगे कोई भी एग्जाम, इसके कारण पढ़ो इंग्लिश। मैम तो आ रही ना पढ़ाने वाली सुबह लेक्चर, कितने बजे आती हो मैम? कौन कौन लेक्चर कर रहा है इंग्लिश वाली मैम से? अरे
वही नहीं बैठ रहे हो, दो सिव तीन और कभी 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 होगा, पढ़ा करो हाँ, बैठा करो भाई, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? हाँ नहीं बोले जाते तो कितने बजे आती मैम? 8 बजे, बहुत टाइम। पार्श्व विस्थापन, देखो पार्श्व विस्थापन सभी को समझ में आ गया? पार्श्व विस्थापन बताएंगे, निकट देश, ध्यान से सुनो, गोल नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है, छोटा या फिर पतला हो जाता है, छोटा या फिर पतला, नेत्र गोलक पतला हो जाता है, कौन से? और जरा दृष्टि दोष में दोनों, कौन कौन से? जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंसों की आवश्यकता होती है, उत्तल और पार्श्व विस्थापन में कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन होता है, कुछ वस्तुओं का पार्श्व विस्थापन नहीं होता, कुछ वस्तुओं का होता है, कुछ वस्तुओं का नहीं होता। अब देख लेते हैं, लेंस ही नहीं रहती इस पे। अब इसे लेंस का काम कहा? अब देख लो, दूरदर्शी और निकटदर्शी, यानी कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दूरदर्शी, एडिंग डालो सभी लोग, दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूरदर्शी, दूर, अरे दूरदर्शी ऐसा प्रयोग करते ना एकदम दूर, दूरबीन, दूरदर्शी, हाँ इधर दर्शो, कौन पढ़ रहा है ये? तुमको मात्रा उड़ी हुई दिख रही है, दर्शी। हाँ क्या लिखा है, क्या करना है बता रहे ना? अब ध्यान से देखो इधर सभी लोग, दूरदर्शी में आपके यानी कि दो लेंस होते हैं, कितने लेंस होते हैं? कितने लेंस होते हैं? दो लेंस होते हैं, एक छोटा लेंस होता है, एक कैसा लेंस होता है? एक कैसा लेंस होता है? छोटा। और एक होता है आपका बड़ा लेंस, एक कैसा होता है? एक कैसा होता है? बड़ा लेंस। एक कैसा होता है? छोटा लेंस। और एक कैसा होता है? बड़ा लेंस। ध्यान से देखो, एक लेंस छोटा होता है और एक लेंस बड़ा होता है, एक लेंस देखो छोटा और एक लेंस बड़ा, आ रहा समझ में दूरदर्शी? एक लेंस छोटा होता और एक लेंस बड़ा, एक लेंस छोटा और एक लेंस बड़ा। जो आग पे, ध्यान से देखो, जो आग यानी कि आग पे आग के पास लाते हैं उसे बोलते हैं नेत्रिका, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? नेत्रिका। उसे क्या बोलते हैं जो आग के पास लगाते हैं? देखो ध्यान से, जो आग के पास लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो आग के पास लगाते हैं उसे, जो वस्तु के पास लगाते हैं उसे अभिदृश्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक, अभिदृश्यक। जो वस्तु के पास लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक। जो वस्तु के पास लगाते हैं उसे क्या बोलेंगे? जो वस्तु के पास, बोलो, जो वस्तु के पास, जो वस्तु के पास, जो आग के पास लगाएंगे, जो वस्तु के पास अभिदृश्यक। इतना समझ में आ रहा सभी को? ये कौन सा दर्श है, यानी कि क्या है? दूरदर्शी। क्या है ये? दूर की वस्तु अपने को कैसा पास में स्पष्ट दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? पास में। न्यूटन चाचा के समय चलाता है, अब तो माइक्रोस्कोप आ गया ना, ये न्यूटन चाचा के बारे का। अब ये देखो ध्यान से समझो, ये प्रयोग होता है समुद्र वगैरह जो नेवी तटरक्षक में जाएंगे उनके लिए ये लगता है, किसके लिए? नेवी वगैरह के लिए, या फिर जिसका आर्मी का कमांडर रहता है वो देखने के लिए रखता है। इंग्लिश में जाके सर्च करें, इंग्लिश मीडियम में दूरदर्शी, यानी कि ये क्या आपकी दूरबीन है एक प्रकार की, इसको इंग्लिश में दूरबीन। ध्यान से देखो, इधर बातें मत करो सभी लोग, देखो जो आग के पास रखते हैं उसे क्या बोलेंगे? आग के पास वाले को, और जो वस्तु के पास रखेंगे अभिदृश्यक, जो वस्तु के पास रखेंगे उसे क्या बोलेंगे?
अब आप लोग इतना बताओ इसकी फोकस दूरी बढ़ती होगी कि नहीं बढ़ती होगी? फोकस दूरी भाई दूर की बस देख रहे तो फोकस दूरी और क्षमता इसकी क्षमता फोकस दूरी क्षमता फोकस क्षमता जो आग के पास रखेंगे जो आग के पास रखते हैं जो आग के पास रखते हैं जो वस्तु के पास सभी लोग पीछे से बोलो मौन धारण में मत रहो नहीं पढ़ाई नहीं होगी याद नहीं होगा घर पे तो वैसे कुछ लोग इधर आते होंगे पढ़ा दो तुम घर पे कर लाएंगे फिर कल का होगा अरे कल करेंगे ये सब पूरा बीत जाएगा तो इधर जितना बुलवाया जा रहा बोल लो चुपचाप जो आग के पास रखते उसे आग के पास वस्तु के पास अभी दृश्य ठीक है आ रहा समझ में। और आप लोगों को हम एक बात बताएं जो लोग इधर ये मान के पढ़ते हैं ना कि अभी देखो अतुल का वो वीडियो यानी कि उसका दिल्ली ऑपरेटर का एग्जाम था उसका और वो साइंस के लेक्चर में नहीं बैठता था इसके लेक्चर में साइंस के लेक्चर में नहीं बैठता था अरे वो बोलता था कि मैं तो जीटी निकालने वाला हूँ जीटी में चला जाऊंगा। अब उसने मेरे को कल या परसों डाली कि सर इसकी नोट्स चाहिए मैंने उससे बोला बैठ लेते पहले तो दो चार चैप्टर खत्म हो जाते तुम्हारे साथ में। और जो लोग ये मान के पढ़ रहे कि मेरे एग्जाम का है नहीं आने वाले समय में ऐसा थोड़ा कि तुम्हारा उसमें क्लियर है सीट क्लियर करके बैठे पढ़ाई करो या तो फिर क्लियर करो सीट नहीं तो चुपचाप अच्छे से सब विषय पढ़ लो आज जो एग्जाम आएगा निकाल लेना विषय कितने इंग्लिश साइंस मैथ रीजनिंग और उसके बाद बची जीके। नहीं हम साइंस नहीं पढ़ेंगे हम मैथ नहीं पढ़ेंगे हम जीके नहीं पढ़ेंगे पढ़ना पड़ेगा नौकरी लेना तो पढ़ना है तो 35 लाख की भीड़ में कहाँ हो जाओगे इतने एग्जाम में बैठते उड़ा देंगे उड़ा। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ो जो भी विषय आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक है जो आग के पास रखेंगे आग के पास और जो वस्तु के पास अब फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी ऑलरेडी भाई दूर की वस्तु फोकस दूरी तो चाहिए चाहिए बढ़ जाएगी और इसकी क्षमता क्षमता क्या हो जाएगी और इसे क्या कहते हैं दूर दर्शी। इतना समझ में आ रहा सभी को इतना समझ आ रहा है दूरदर्शी में किसी को दिक्कत? अब आप लोग बता सकते हैं लेंस कौन सा इसमें लगा होगा? अवतल तो मोटा करता है देखो अवतल तो मोटा हो जाता है लेंस कौन सा होता है इसमें? अरे पतले के लिए लेंस कौन से आ सकता है? उत्तल लेंस की कौन से लेंस की कौन सा लेंस कौन सा लेंस पूरा चैप्टर खत्म करके आए भी उत्तल अवतल नहीं समझ में आ रहा है कौन सा लेंस उत्तल कौन सा लेंस आ रहा दूरदर्शी में किसी को दिक्कत पीछे लड़कों में दिक्कत लड़कियों में किसी को दिक्कत है दूरदर्शी में? इसके बाद सूक्ष्मदर्शी बता देते हैं हाँ माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी बताए ये दूरदर्शी में तो दिक्कत नहीं है ना टेलीस्कोप है टेलीस्कोप ठीक है इसके इसमें किसी को दिक्कत है सूक्ष्मदर्शी डाल लो अब सूक्ष्मदर्शी बता देते हैं क्या माइक्रोस्कोप ये खत्म होने वाला है इस पे फिर न्यूमेरिकल चलाएंगे स्पेशल न्यूमेरिकल का टेस्ट लेंगे ये खत्म होने वाला है कल कल शायद आवर्धन पढ़ाएंगे आवर्धन के बाद न्यूमेरिकल है और इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल का ही टेस्ट लेंगे क्योंकि हेडिंग तो तुम रट डालो मतलब रटो या ना रटो अपनी जिम्मेदारी नहीं है और न्यूमेरिकल में थोड़ा दिमाग लगाओगे क्योंकि सभी फार्मूला पूरा प्रकाश चैप्टर कब से चला रहे अभी तक खत्म नहीं हो रहा वो अब इसके बाद आवर्धन है आवर्धन पढ़ाने के बाद आपके न्यूमेरिकल चलाएंगे न्यूमेरिकल के बाद एक दो चैप्टर और है विद्युत वगैरह वो खत्म करके खत्म फिजिक्स तो आप लोग तैयार रहे न्यूमेरिकल चलने के लिए तो सभी लोग रिवीजन करते रहे। देखो सूक्ष्मदर्शी क्या सूक्ष्मदर्शी देखो वो भी एक काम कर रही थी मतलब जो आपकी दूरदर्शी थी ना वो भी यानी कि वस्तुओं को पास ही कर रही थी वो कैसा कर रही थी वस्तुओं को पास कर और ये जो ज्यादा यानी कि छोटी छोटी वस्तुएं रखती है उनको यानी कि सहायता करती है देखने में कैसी छोटी वस्तुओं को देखने में सहायता कर कैसी कैसी छोटी वस्तुओं को देखने में सहायता करते माइक्रोस्कोप बनाए बन जाए सही से तो ठीक ठीक है ठीक है चलो बन जाएगा अरे जैसा भी बनना हो बन जा भाई। Thank you.
देखो इधर लेंस लगा होता है, ध्यान से देखो इधर लेंस लगा होता है। चलो इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ये क्या आपका लेंस है, ये ध्यान से क्या है आपका लेंस है, इसे क्या बोलेंगे नेत्रिका, इधर ही नेत्रिका, ये क्या है आपका नेत्रिका, ये क्या है आपकी यानी कि लेंस है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये जो यानी कि वस्तु है इसी को बोलेंगे अभिदृश्यक, ये क्या है आपकी जो वस्तु रखी जाती है उसी को क्या बोलेंगे अभिदृश्यक, उसी को क्या बोलेंगे अभिदृश्यक, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को अभिदृश्यक, जो यानी कि आग के पास लगाया जाता उसे आग के पास, आग के पास, और जो यानी कि वस्तु है उसको अभिदृश्यक, जो आग के पास अभिदृश्यक। अब इसकी बताइए फोकस दूरी यानी कि फोकस, यानी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, फोकस दूरी इसमें कहाँ बढ़ा रहे हो, फोकस दूरी क्या हो जाए, ओए ओए भाई भाई क्या मजा ले रहे हो इसकी मजा, मतलब देखो आपको हम बता रहे हो उसकी तुम ले रहे हो, तुम्हारी कोई ले लेगा फालतू में ध्यान से देखो। चलो यानी कि फोकस दूरी देखो इसमें क्या, आपको कौन सा 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर का देखना, देखना तो पास का, इसकी फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्षमता, फोकस क्षमता, और यानी कि दूर दृष्टि से उसमें फोकस बढ़ रही थी, दूर में क्षमता घटेगी, और यानी कि पास वाले में फोकस घटेगी क्षमता बढ़ेगी। यानी कि देखो ये जब पहले प्रयोग किया गया था, यानी कि अभी तो जब पहले प्रयोग किया गया था यानी कि नॉर्मल सी वस्तुएं दिख जाती थी, जो छोटी होती थी वो वस्तुएं दिख जाती थी, पहले इसमें एक लेंस का प्रयोग किया गया, कितने लेंस का, एक लेंस का, यानी कि सरल सरल सूक्ष्मदर्शी है, फिर एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया गया, ये कौन सा है सरल सूक्ष्मदर्शी, ये कौन सा है, कौन सा है सरल सरल, फिर इसके बाद देखो जो ज्यादा उसको करीब करना, देखो अभी इसमें कितने एक लेंस का प्रयोग किया है, कितना लेंस का, एक लेंस का, अब इसको ज्यादा जूम किया गया तो बिलो यानी कि फटने लगा, तो दोनों लेंस का प्रयोग, कितने लेंस का, दो लेंस का प्रयोग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन का प्रयोग किया गया, तो उसके बाद उसमें इसी में समझ लो कि दो लेंसों का प्रयोग किया गया, कितने लेंसों का, दो लेंसों, कितने लेंसों का, कितने लेंसों का, कितने लेंस होगा, अब आप लोग बताएंगे ध्यान से, जो चश्मा वाला होगा वो इसको कैसे देखेगा, कैसे देखेगा ध्यान से देखो, जिसके या उत्तल लगा या अवतल लगा या जरा दृष्टि दोष लगा, इसमें तो दोनों लेंस है, इसमें तो दोनों लेंस है, उत्तल भी है और अवतल भी है, हाँ ज्यादा कम करने के लिए रहता ना सब, मगर ये बताओ आपको वो जो लेंस लगा के रखा है वो चश्मा लगा के देखेगा चश्मा हटा के देखेगा, चश्मा हटा के देखेगा, नहीं तो पूरा सत्यानाश कर देगा फिजिक्स का, बोलेगा कैसा दिख रहा है यार ये फटाफटा दिख रहा है, अब देखो उत्तल ही उत्तल होगा तो गड़बड़ा आ जाएगा, अब जो ऐसा समझ लो इसकी देखो मैक्सिमम यानी कि आपको दिखने की क्षमता जो होती है ना 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर वस्तु देखो एक पटरी आती है 15 सेंटीमीटर की, पटरी यानी स्केल 15 सेंटीमीटर के, उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ लगभग इतनी चली जाएगी, ठीक है, आपकी मैक्सिमम देखने की क्षमता यानी कि मिनिमम क्षमता होती है जो आपको अच्छा दिखेगा 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर पे अच्छा दिखता है, आप लोग हम सभी लोग पढ़ते हैं ना तो लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर पे पढ़ते हैं, जिसकी अगर नज़र खराब तो ऐसा लिखता है एकदम से पास से लिखता है, और जो यानी कि जैसे कॉपी हो गई है अब इसको 25 सेंटीमीटर पे रखे तो अच्छे से दिख रही है, कैसे दिखेगी अपने को, अच्छे से दिख रही है, अब इसको पास में लाएंगे कैसा लाएंगे पास में, अब समझ लो यानी कि पास में ला रहे तो यानी कि ब्लर दिखने लगता है, कैसा दिखने लगता है ब्लर दिख, अपने को कितनी यानी कि दूरी पे स्पष्ट दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर, कितने 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, कितना 25, कौन 25 है, अरे मैं 25 नहीं हूँ यार, अरे समझ लो जिस दिन तुमको पी के पढ़ाने आए ना पता नहीं चलेगा किधर का हो रहा है ओए पन्नी रुक जाओ सफर करो पन्नी मिलेगी तुमको अभी मिनिमम देखो अपने को
आ रहा समझ में सभी को, यानी कि अगर मिनिमम मैक्सिमम ये आपको पढ़ाया गया होगा, ये इंटर का टॉपिक है, आपको अच्छे से उसमें लिखने के लिए आता है, जैसे आपको ट्वेल्थ वगैरह का लिखने के लिए आता है, लिखे। अभी देखो इसमें सब तुमको अलग अलग करके बताया है, आपको इंटर या टेंथ में जो लोग होंगे अगर उनको निकट दृष्टि दोष लिखने के लिए आ जाए तो उसमें लिखेंगे, उसमें चालू करेंगे, हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष, उसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं मगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसकी फोकस क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, इसके इस लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें उस लेंस का प्रयोग, पूरा जोड़ जाड़ के डेढ़ पेज का बना, लो पकड़ो, लो चेक कर लो, बस उसमें इंटर में यही है। और इसमें क्या है, तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है, यानी कि आपको फोकस बढ़ेगी या घटेगी। अब उसमें थोड़ा पूछेगा भाई, अब इसमें हाईलाइटर थोड़ा करवाएंगे, चलो ये हाईलाइट कर लो, साइंस के इतिहास की जगह ये हाईलाइट कर लो, ये बता रहा, वो नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ रहा है, निकट दृष्टि दोष में किसी को दिक्कत, दूर, जरा, पार्श, और अब लास्ट में क्या आ गया, दूर और सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में अभी तक दिक्कत आई, पहले सरल सूक्ष्मदर्शी था, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना गया, पहले कौन सा था, सरल। अब देखो आप लोगों ने अगर इतना इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यानी कि दही समझते हो, दही, दही, मट्ठा समझते हो, मट्ठा, दही छोड़ो ज्यादा ही गाढ़ा, मट्ठा समझते हो, उसमें उंगली यानी कि डालो और उसके बाद छिड़क दो और उसके बाद माइक्रोस्कोप लगा के इस पे लगा के देखो, उसमें कम से कम तुमको इतने बैक्टीरिया दिख जाएंगे कि दोबारा खाना भूल जाओगे, मट्ठा पीना भूल जाओगे, इतने बैक्टीरिया दिख जाए। मगर देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर, हाँ हाँ हाँ, सब में बैक्टीरिया रहते, दूध में भी रहते, अब मगर ध्यान से इधर, हाँ रहते हैं, आ जाओ इधर, जिसको बताना इधर, मैं बैठ जाता, बता लो तुम लोग, चलो इधर। मगर ध्यान से देखो वो कैसे रहते हैं, गुड बैक्टीरिया वो, यानी कि जो रहते हैं, ध्यान से सुनो, मठे दही दूध में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कैसे रहते हैं, गुड बैक्टीरिया, कैसे रहते हैं, गुड बैक्टीरिया। अगर वो नहीं हो तो ना खाना का पचन नहीं होगा, खाना का पचन क्रिया नहीं होगी, वही जा के सब कुछ करते हैं। अब देखा होगा आप लोगों में, जानवरों में ज्यादा बैक्टीरिया रहती, जानवरों में ज्यादा बैक्टीरिया, क्योंकि वो लकड़ी और सबको पचा डालते हैं, क्योंकि जानवर लकड़ी वगैरह खाते कि नहीं खाते, उनके पास ज्यादा बैक्टीरिया रहती है और उनके सबका मामला उनका उनका जाने, अपना अपना देख लो, ठीक है, आ रहा समझ में, किसी को दिक्कत है, सूक्ष्मदर्शी खत्म हो। इसमें यानी कि पहले कौन सा ले, पहले सॉरी पहले को ये कैसा है, सरल सूक्ष्मदर्शी, कैसा है ये, कैसा है ये, कैसा है ये, सरल सूक्ष्मा नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी, कोई बोला सरल सूक्ष्मा, ये कैसा है, फिर सूक्ष्मा बोला तुमने, सरल सूक्ष्मदर्शी, अरे लिखा है ना सरल, आप बोलो कौन सा ये, सूक्ष्मा क्यों बोले, सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मा कहाँ से दिख रहा है, सूक्ष्म बोलो, सूक्ष्मा बोल देते हो, डंडा कहाँ लगा है, सरल लड़के बोलेंगे, सरल 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 सूक्ष्मदर्शी। इसमें कितने लेंस का, यानी कि सरल में कितने लेंस का प्रयोग करते हैं, सरल में ओए सरल में एक, संयुक्त में दो, सरल में संयुक्त में दो, सरल संयुक्त, सरल संयुक्त, आ गया सभी का समझ में, क्या आवाज कड़क कड़क आ रही, लड़के एकदम ठीक है। किसी को दिक्कत है सरल सूक्ष्मदर्शी, अब देखो इधर ध्यान से, न्यूमेरिकल आज बताएं क्या इसके, एक दो देख लो इसको ध्यान से, इस पे न्यूमेरिकल कहां से बनेगा, अब इधर ध्यान से देखा, इधर ध्यान से देखो सभी लोग, अब ध्यान से देखो इसकी फोकस दूरी ये होगी कि नहीं होगी, ध्यान से देखो, ओए टट क्या बातें कर रहे, कौन मार रहा, इधर इधर, डंडा कहां है, डंडा किधर है, ले गया डंडा, बैठा रहे भाई चुपचाप, क्लास है बेटा, क्लास की तरह रहो भाई, जैसे देखो
इसकी फोकस दूरी कहाँ पे हो, ध्यान से देखो सभी लोग समझो, न्यूमेरिकल बनेगा उड़ जाओगे दिमाग कर। इसकी फोकस दूरी यानी कि बीच में, फोकस दूरी बीच में होगी, होगा यानी कि सेंटर या फोकस दूरी बीच है। अब समझ लो जो यानी कि वस्तु की फोकस दूरी होगी ये इधर तक आ जाएगी, आ सकती है, आगे आगे समझ रहे हैं ठीक है। यानी कि जो वस्तु की फोकस दूरी होगी ये इधर आ गई, वस्तु की फोकस दूरी इधर आ गई। अब यानी कि जो नेत्रिका की होगी फोकस दूरी, उसको तो इधर जाना पड़ेगा तभी तो उसको इस पर, आप समझ लो ये कोई दो चीजें हैं ठीक है, हम कुछ उधर से देख रहे हैं तो उसकी भी फोकस दूरी होगी और नेत्रिका की भी फोकस दूरी होगी। अब जिसका मोतियाबिंद रोग है उसको दिखा बेटा देखो क्या दिख रहा कुछ, अरे नहीं सब ब्लर दिख रहा, चौपट कर देगा पूरा सत्यानाश। इसीलिए आपका यानी कि मेडिकल, आप ट्रेन चलाने के दीजिए 100 में 110 120 में चला रहे और उसको मोतियाबिंद रोग है और उसको कलर का प्रतीत नहीं हो रहा है, ब्लाइंड कलर, अरे बाप रे कैसा सिग्नल लाल की जगह हरा दिखा उसको, चलो चलने दो और जाके उड़ा दिया गाड़ी। तो इसीलिए आपका फिजिकल टेस्ट होता है आंखों का, क्या होता है आंखों का टेस्ट होता है कि आपको यानी कि कलर दिखाया जाता है उसमें से बिंदु बिंदु रखते हैं उसमें से पहचानवाते हैं, वो लिखा होगा 7 बिंदु यानी कि मतलब ये कलर है, जैसे इसमें पूरा कलर ही भर देंगे और उसके बीच में कुछ बना देंगे प्रतीत होगा आपको दिखेगा, वो जिसके कलर ब्लाइंड नहीं होगा और जिसके होगा तो वो चौपट है, मतलब ऐसा नहीं चौपट एक ही भर्ती आती है वो और उसके बाद SSC में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। रेलवे का सबसे यानी कि फिजिकल ALP का हार्ड जाता है, सबसे उसका टफ जाता है क्योंकि उसमें बार कर देते। अब देखो इस वस्तु की कुछ फोकस दूरी होगी, वस्तु की फोकस दूरी होगी कि नहीं होगी, आप समझ लो नेत्रिका की फोकस दूरी मैंने समझ लिया इधर ही तक जा पाए, नेत्रिका की फोकस दूरी इधर तक ही जा पाए यानी बीच का मामला खराब हो गया, बीच का मामला खराब हो गया। इसकी वस्तु की फोकस दूरी तो इधर तक थी और नेत्रिका की फोकस दूरी इधर ही तक जा पाई, यानी कि बीच का अपने को ब्लैक ब्लैक दिखेगा, दिखेगा ब्लैक की नहीं तो वो तुमको साइंटिस्ट पकला दिख रहे थे क्या। तो उन्होंने क्या किया, जो यानी कि जो सूर्य यानी कि दूरदर्शी होती है ना उसको यानी कि उसकी लंबाई क्लियर कर लेते थे, लंबाई कैसी कर देते थे, क्लियर बनाते थे यानी कि इसकी अब दृश्य यानी जो वस्तु की फोकस दूरी होगी और जो नेत्रिका की फोकस दूरी होगी वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी। अब जैसे ये बना दिया इधर से, ध्यान से देखो इसकी लंबाई कितनी है 10 है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 10 है, कितनी लंबाई है 10, और आपको नेत्रिका यानी कि देखो आपको नेत्रिका की दे दी है आपको 2, नेत्रिका की कितनी दे दी है 2 और जो अभिदृश्यक था वो दे दी 8। तो आपसे यही पूछेगा उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि एक यानी कि दूरदर्शी की लंबाई 46 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन पूछा था कि दूरदर्शी की लंबाई 46 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया उसके बाद, दूरदर्शी की लंबाई 46 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है 46 सेंटीमीटर। आपको इतना तो नॉलेज होगा या ऑप्शन से जा सकते हो कि यानी कि इनकी जो योग होगा वो तो 46 ही आएगा, अभी बताया 2 और 8 का कितना योग आएगा 10 ठीक है। उसमें ऑप्शन में आया था ऑप्शन नंबर ए -6 -40, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेत्रिका और इसकी फोकस, यानी कि नेत्रिका की ये होगी और अभिदृश्य की ये होगी, और दूसरा ऑप्शन था -6 और +40, तीसरा ऑप्शन था 40 प्लस का 6 और चौथा ऑप्शन था 40 और 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नहीं समझा, हाँ कौन सा ऑप्शन 40 और 6, कैसा भी देगा क्वेश्चन बना देंगे, झुकेंगे नहीं, कैसा भी क्वेश्चन देगा बना देंगे, कैसा भी क्वेश्चन देगा बना देंगे, नहीं तो इतना हार्ड देगा नहीं, ये अपनी तरफ से बनाया कहीं नहीं आया था रट रट के घूम रहे तो ये बना हुआ क्वेश्चन आएगा, इतना मेरे को कहाँ याद रहेगा। उधर क्वेश्चन ध्यान से आते हैं कि उधर देगा नेत्रिका, ध्यान से देखो नेत्रिका की फोकस दूरी दे दी आपको यानी कि 15 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, नेत्रिका की 15, और जो आपको अभिदृश्यक दे देगा अभिदृश्यक की फोकस दूरी है आपको 30 सेंटीमीटर। बताइए कि सूक्ष्मदर्शी की यानी कि सॉरी दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन गलत छोड़ के आ जाओ तो गलत बात है कि नहीं, गलत बात है। और अब हम लोग क्या मतलब हम लोग क्या करते हैं, चलो 1/f = आंख मिच के यही फार्मूला सभी को रटा, 1/f = 1/v + 1/u रख दिया, हाँ 15 है क्या 15 ठीक है, 30 है क्या 30 है ठीक है, LCM ले लिया 2 आ गया 3 1/10, 10 ऑप्शन में नहीं है, और बाप रे ये कैसे गलत हो गया यार, पूरी साइंस पढ़ के आए थे 10 तो ऑप्शन में नहीं मिला, अरे बकलोल भाई ध्यान से देखो दिया क्या है, एग्जाम का देख लो। अब ज्यादातर यही फार्मूला सभी को याद है 1/f = 1/u 1+1/v, नहीं तो इधर इधर घिसका लो उसको, यही ऑप्शन में जब कोई का पेतुड़ा काम नहीं चलता तो इधर उधर माइनस प्लस करो आंसर में चलने लगा,
वो भी इतने एग्जाम के जो बैठा है भाई, वो भी थोड़ा तुम्हारा दिमाग उसमें ऑप्शन 10 जरूर डालेगा। वो बेटा मारो तुम ठीक इस पे, ऑप्शन में 10 जरूर मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा दूरदर्शी निकाले बैठे फोकस दूरी और अच्छे मोड़ से 80 बनाओ क्या आपकी एग्जाम फाड़ दिए, बाद में चेक किया 25 सिर्फ 25 बचे यार, और उसमें नॉर्मलाइजेशन वो हुआ हुआ तो माइनस में 25 आ गए। आप लोग पढ़ के अच्छे से जाओ, ठीक है ध्यान से। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसमें न्यूमेरिकल में दिक्कत है कुछ, इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल बना दिए थे तो छोटे ही न्यूमेरिकल। आप लोग क्वेश्चन बताएंगे ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। नेत्रिका की फोकस दूरी है, नेत्रिका माइनस में कहां लेके जा रहे हैं, नेत्रिका की समझ लिया 10 है माइनस में, नहीं 10 प्लस में ही। और अब दृश्य की फोकस दूरी है 0.00001 है, बताओ देखते कैलकुलेशन। आप पीछे वाले से बैठे कि हमको मत खड़ा कर देना प्रभु, हमको नहीं आ रहा। अरे पढ़ो बब्बा पढ़ लो, कितनी आएगी 10 में ऐड करना, कितनी आएगी पीछे वालो पीछे लड़के, अभी तो आगे हो जाओ जोड़ में ही आगे बोलो, कितनी आएगी इन न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी, इसमें एग्जामिनर फंसे नहीं है, कौन इतने प्यार से बोल दिया है ठीक है ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को, आज पता नहीं क्या। अब इसमें इस न्यूमेरिकल में फंसाएगा कोई अपने को, इसमें फंसाएगा तो फिर आज का लेक्चर इसी में रखते हैं, खत्म करते हैं और कल पढ़ा जाए।